हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी कई सारे नोटिफिकेशंस भी पड़ चुके हैं, राइट? अभी आपने देखा होगा नाबार्ड के बैंक का नोटिफिकेशन पड़ा है और UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनके भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। आप अगर उसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। NTPC के भी रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं, बेस्ड ऑन मार्क्स के पर वो जो है जॉब्स दिए जा रहे हैं। तो सारे कई सारे जो है अभी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो अप्लाई कीजिए। इस साल हम ज़रूर कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लॉन्ग कोविड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि नई रिसर्च आई है कि किस तरह से एक आदमी को जब कोविड अफेक्ट करता है तो कई सारे सिम्टम्स लॉन्ग टर्म के लिए भी रहते हैं। तो कई सारे साइंटिस्ट का कहना है कि जो है फैटिग होना या फिर नींद नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो पोस्ट पैंडमिक, जो पोस्ट जो कोई भी सफ़र होता है पोस्ट कोविड, उसको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उनका स्टडी में पब्लिश किए गए हैं और क्या उनका कहना है और फ्यूचर में किस तरह से इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्चर्स के दिमाग में ये है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, क्या उन लोगों को भी इस तरह से लॉन्ग कोविड-19 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग अभी सफ़र होते आ रहे हैं फ्रॉम 2020 से लेकर अभी तक, जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, उनको किसी तरह जो है हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा और बाद में कई महीनों के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर जो है, उन लोगों के अंदर एक सिम्टम्स, एक तरह का वीकनेस आप कह सकते हैं, एक तरह का फैटीग है, और एक तरह का स्लीप नहीं आना, नींद नहीं आना, इस तरह से सिम्टम्स देखे गए हैं आफ्टर वैक्सीनेशन आल्सो, राइट? तो इसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपको सीवियर फैटिक दिखता है, ब्रेन फॉग होता है, हेडेक होता है, मसल पेन होते हैं कहीं ना कहीं, और नींद की जो है प्रॉब्लम आपको आती है, जो कि कहीं हफ्तों तक, कहीं महीनों तक आपको जो है ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आफ्टर एन इफेक्टिव इन्फेक्शन हैज़ एंडेड। ओके, जब आप इस कोविड-19 से कम्प्लीटली बाहर आ जाते हैं, जब आप प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद या फिर जब आप पीड़ित होते हैं उसके बाद, दवाइयों के बाद, जब इस कम्प्लीटली इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर भी इस तरह से जो सिम्टम्स कई लोगों में पाए गए हैं दोस्तों, इसको हम लॉन्ग कोविड-19 सिम्टम्स कहते हैं। ओके, और जब डेटा की बात करें तो जब प्रॉपर स्टडी करने के बाद ये पाया गया है कि 10% to 30% ऑफ अडल्ट्स जो ऑलरेडी इस वायरस से पीड़ित हैं और ऑलरेडी इस वायरस से उन्होंने सफ़र किया है, उनको लॉन्ग कोविड-19 सिम्टम्स देखने को मिले हैं। इवन दो चाहे वो माइल्ड इलनेस ही क्यों ना हो, या फिर ऐसे एसिम्टोमेटिक केसेस आपने बहुत सारे देखा होगा, तो उन लोगों को भी 10% to 30% के अंदर अंदर हम लोगों को इस तरह से कोविड लॉन्ग कोविड सिम्टम्स पाए गए हैं। बट अभी भी प्रॉपर डेटा नहीं आया है हमें, जो भी डेटा ये कलेक्ट किया गया है वो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के अंदर कलेक्ट किया गया है दोस्तों। ओके, जो लोग पीड़ित हो गए उनको प्रॉपर मेडिसिंस देकर उनको रिकवर किया गया है, बट अभी भी उनके पास वैक्सीन नहीं है। ओके, उनको अभी वैक्सीन नहीं डाला गया है। तो उस तरह के पॉपुलेशन का डेटा अगर निकाल कर देखें तो उन लोगों के अंदर इस तरह से लॉन्ग कोविड सिम्टम्स पाए गए हैं। ओके, बट अभी स्टडी करना बाकी है जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, जो कई सारे लोग अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने आप को वैक्सीनेटेड करवा रहे हैं, क्या उनको भी इस तरह से लॉन्ग कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, राइट? जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो अभी स्टडी करना बाकी है। सिर्फ ये डेटा जो इन्होंने पेश किया है वो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का है और उसमें कई सारे सिम्टम्स पाए गए हैं, अप टू 30% तक लोग। ओके, और जो रिसर्च पाया गया है कि ये जो सिम्टम्स हैं आपको कई वीक्स तक या फिर कई मंथ्स तक रहेंगे। ओके, और उसके बाद क्या ये कई ईयर्स तक भी रहेंगे, इसका कोई हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने अनवैक्सीनेटेड लोगों को जो है पकड़ा है। बट कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। ओके, ये क्वेश्चंस को अभी आंसर करना ज़रूरी है, ये तभी आंसर होंगे जब हमारे पास प्रॉपर डेटा रहेगा। पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट ये उठा रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ ब्रेक थ्रू केसेस कैन रिजल्ट इन लिंगरिंग सिम्टम्स। ओके, तो कितने ऐसे परसेंट ऑफ ब्रेक थ्रू केसेस है जो आगे हमको मिलेंगे,
और हाउ मेनी ऑफ दिस पीपल रिकवर? एक्चुअली बात करें जो ब्रेक थ्रू केसेस, जो लॉन्ग कोविड सिम्टम्स है, उससे भी रिकवर करने वाले लोग कोई है? एंड आर द परसिस्टेंट सिम्टम्स आफ्टर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इज एज सिवियर एज इन अनवैक्सीनेटेड? ओके, तो वैक्सीनेटेड लोगों में जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो क्या इतना सीवियर है जो इससे पहले उनको हुआ था? ये तीन क्वेश्चंस अभी आंसर करना ज़रूरी है. बट कई सारे ऐसे चीफ मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ये अपना सजेशन देते हैं कि सपोज एग्जांपल डॉक्टर जिजान एसन, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं एट सेंटर फॉर पोस्ट कोविड 19 केयर, जो न्यूयॉर्क के हेल्थ सिस्टम में लोग काम करते हैं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो पीपल अनवैक्सीनेटेड हैं और चाहे वो वैक्सीनेटेड हो, ओके, उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई प्रॉपर एनफ डेटा है ताकि उसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड कर सके कि उनके पास जो सिम्टम्स हैं, जो लॉन्ग कोविड सिम्टम, वो यू नो जेन्युइनली परसिस्ट है या फिर उससे रिकवर हो चुके हैं लोग. तो प्रॉपर डेटा ही नहीं तो आप किस तरह से स्टेटमेंट पास कर सकते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल जो सिक हो रहे हैं पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद भी वो उतना हाई नहीं है दोस्तों. ओके, देर इज़ नो ग्राउंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म ऑल्सो फॉर दिस पेशेंट. एक बार अगर वैक्सीनेशन लगा दिया तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो चुका है. ओके, तो वैक्सीन इसीलिए तो लगाते हैं हम ताकि हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो सके. ओके, ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आप जो है इस लॉन्ग कोविड सिम्टम से सफ़र हो रहे हैं, जैसे कि स्लीप प्रॉब्लम हो गया या फिर यू नो फैटिग हो गया, फॉग, ब्रेन फॉग हो गया. इस तरह से अगर चलता रहा तो क्या फ़ायदा हो वैक्सीनेशन का? तो उनका ये भी कहना है कि हमारे पास कोई एनएफ डेटा नहीं, और दूसरा जो है हमारे पास कोई ऐसे ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है ताकि लोगों को हम जाके ट्रैक कर सके, उनको ऑब्जर्व कर सके आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल्सो. और एक स्टडी पब्लिश की गई थी इजरायली हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा, जो न्यू इंग्लैंड जनरल में ये पब्लिश किया गया था दोस्तों. उनका ये कहना है अमॉन्ग 1497 फुल्ली वैक्सीनेटेड, याद रख लीजिए ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब दो डोजेस ले लिए हैं, जो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो जब डेटा निकाला गया तो उसमें 39 आउट ऑफ दिस 1497 यानी विच अमाउंट्स टू 2.6% मान कर अगर हम चलेंगे तो उनके इसमें पाया गया है इस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन दोस्तों. ओके, जो हमने अभी सिम्टम्स पढ़ा है तो सिर्फ 39 लोगों में, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.6% और 3% आप ले लें तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखने को मिला है. ओके, और यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनको ये मानना है, ये मान के चल रहे हैं लोग कि जो इन्फेक्ट हुआ है आफ्टर कॉन्टैक्ट विद अ अनवैक्सीनेटेड पर्सन. ओके, तो ऐसा नहीं कि वैक्सीनेटेड के बाद ये लोग सफ़र हो रहे हैं, बट ऐसा मानकर ये चल रहे हैं कि ये जो इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्शन इनके अंदर डेवलप हुआ है जब ये लोग जाकर अनवैक्सीनेटेड पर्सन के पास कॉन्टैक्ट किए हैं. ओके, ये स्टडी पब्लिश की गई थी बिफोर डेल्टा वेरियंट. ओके, अभी तो डेल्टा वेरियंट डोमिनेंट हो गया है तो अभी रिजल्ट आना बाकी है. और मोस्ट ऑफ़ दी 7 out of 36 वर्कर्स उनको ट्रैक किया गया है कि स्टिल इनको लॉन्ग कोविड सिस्टम जो है, लॉन्ग कोविड सिम्टम्स पाए गए हैं. ओके, सो कई सारे मिक्स होते हैं इसमें, प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, फैटिग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है, हेडेक हो सकता है. ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी ये लोगों में परसिस्ट है. ओके, और इसराइल की स्टडी हमने देखा 2.6% ऑफ द पीपल इज गोइंग थ्रू दिस सिम्टम्स एंड दिस सिम्टम्स कैन बी परसिस्ट टिल मोर देन फ्यू वीक्स और मोर देन ए मंथ भी आपको देख सकते हैं. ओके, अभी की स्टडी उन्होंने कहा है कि अभी ये प्रॉपर डेटा के बेसिस पे आप कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज द सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल. ओके, और एक जो एक फेमस डॉक्टर हैं जो एक डायरेक्टर ऑफ इन्फेक्शन डिसीज भी रह चुके हैं. ओके, उनका ये भी कहना है द रिसर्च वॉज डिजाइन टू स्टडी एंटीबॉडी लेवल्स इन द इन्फेक्टेड पर्सन रादर देन वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनीथिंग कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी आपको इस तरह से सिम्टम्स पाए गए हैं. ओके, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि इट वॉज नॉट डिजाइन टू स्टडी द रिस्क ऑफ लॉन्ग कोविड सिम्टम्स. ओके, ये सिर्फ एंटीबॉडी लेवल्स कितना डेवलप हुए हैं एक इंसान के अंदर जब वैक्सीनेशन आप लेते हैं तो उसके अंदर एंटीबॉडी लेवल्स किस तरह से डेवलप किए गए वो रिसर्च आप कर सकते हैं, वो डेटा हमारे पास है. बट ये जो हमारी स्टडी उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि आफ्टर द वैक्सीनेशन ऑल्सो कोई भी लोग जो है एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से सफ़र हो रहा है. इनफैक्ट अगर आप देखें एक जो 5 में से 1 लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इस तरह से सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिले इवन आफ्टर 6 weeks हो, इवन आफ्टर 1 month हो. बट पॉसिबली अगर बात करें प्रैक्टिकली तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है. इवन US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इनका भी यही कहना है कि ये सिर्फ पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं. ओके,
जो वैक्सीनेशन के बाद भी अगर किसी को इन्फेक्ट हो रही है बीमारी, जो कि हॉस्पिटलाइज हो रहा है या फिर उसकी मौत हो जा रही है, तो उसको ट्रैक करने का मैकेनिज्म हमारे पास है। बट ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस अगर आप कह रहे हैं, जो सिम्टम्स आप कह रहे हैं, उसको अभी प्रॉपर एक ग्राउंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना ज़रूरी है। इवन CDC भी इसी तरह इन्फेक्शन को स्टडी करने की अभी सोच रहा है। सो लैक ऑफ डेटा होने की वजह से ये भी प्रॉपर यू नो रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन छाया हुआ है दोस्तों। क्योंकि एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो कि एल स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़ाते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इट वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, डेटा ना होने के जरिए से हम लोग प्रॉपर रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, बट सम एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो अभी सडन केसेस हम लोगों को देखने को मिले हैं, वो शायद डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है। ओके, नॉट फॉर दिस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, बट डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो डोमिनेंट हो चुका है सारी दुनिया में, उसको उससे भी कई सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके ज़रिए से भी केसेस बढ़ने के कई सारे चांसेस है, इस तरह से एक्सपर्ट्स का मानना है। ओके, बट क्लियरली अगर बात करें तो अगर आप कोई वैक्सीनेटेड करवाते हैं अपने आप को, तो रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड कम हो जाता है दोस्तों। ओके, एंड गेटिंग लॉन्ग कोविड सिम्टम्स, वो तो ऑब्वियसली कम ही होगा। बट पहली बात, अगर आप इन्फेक्शन रेट को अपने आप के अंदर कम करवा लेंगे, तो डिस्पाइट एक तो क्लियर हो चुका है, राइट, एक चीज़ हमको क्लियर हो चुकी है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो देखते हैं इसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, किस तरह से जो है लोगों को ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है ये पाए जाते हैं, या फिर CDC हो या फिर कोई अदर कंट्रीज़ हो, एक ग्राउंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म को लेकर आते हैं, ताकि पोस्ट वैक्सीनेटेड के बाद भी हम लोग ट्रैक कर सके कि लोगों के अंदर ये लॉन्ग कोविड सिस्टम कितने दिन तक चल रहा है। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।